भाईजन, वो अभी ऑन किया है फोन मैंने। अब कैसी तबीयत है अनुवापी की? इतने सारे मैसेजेस भाभी के। सॉरी भाभी, मेरा फोन ऑफ था, अभी अभी ऑन किया है। असद फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं, वो शायद फोन घर पे भूल गए होंगे। वो खुद कहाँ है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? एक्चुअली वो आप ही की तबीयत खराब हो गई थी तो ले। भैया भी आ गए। आप ही घर आ गई है? आप ही का फोन है, मैं देख कर आता हूँ। कहीं मरमरा तो नहीं गई है? फोन भी नहीं उठा रही। अरे फरहान बाबा, आप, मैं अभी अन्नू बीबी को बताती हूँ। नहीं नहीं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अंदर चला जाऊं। कैसे जाऊं अंदर? यहां क्या कर रहे हो? आओ अंदर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आओ, एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले तो तुम कभी नहीं आए इस वक्त। हाँ, वो अनु फोन नहीं उठा रही थी तो तुम्हें क्या लगा? परेशानी हो रही थी तो इसलिए। अच्छा, इससे पहले तो कभी परेशान होकर तुम इस वक्त नहीं आए। अब ये मत कहना कि अनु ने पहली बार तुम्हारा फोन नहीं उठाया। ये जो तुम उल्टी सीधी मेरी अन्नू को पटियां पढ़ा रहे हो ना, बंद कर दो। ऐसा ना हो कि मैं अपनी चहेती की खुशियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाऊं। मैं मिलूं अन्नू से? नहीं, अब जाओ। खड़े क्या हो? जाओ। इसे अनु की तबीयत का कैसे पता चला? वो अनु ने फोन नहीं उठाया तो परेशान होकर चला आया। वहां प्रभु के घर वालों को तो इन्फॉर्म कर दे। कर लूंगी मैं बात बेटा, तो परेशान क्यों हो रहे हो? पहले ही तुम कारोबारी मसलों में उलझे हुए हो। तुम्हारे ऊपर मैं घर की जिम्मेदारी और नहीं डाल सकती। मैं संभाल लूंगी ना सब। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेडिसिन ले ली आपने? और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं। नहीं। ठीक है, बस अब आप परेशान मत हो। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया। उमर, जाओ बेटा, तुम भी जाके आराम कर लो, थक गए होगे। जी अम्मी। अभी भी फोन कर रहे? हालांकि होना तो ये चाहिए था, मैं तुमसे मिलने परेशान होकर घर आता। अन्नू, मान लो तुम उससे प्यार करती हो, वो तुम्हारे प्यार को और तुम्हें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं अम्मी, वो ऐसा नहीं है। अगर मैं उससे प्यार करती हूँ
तो वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे मरने का खौफ कभी भी उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर ना करता। तुम्हारी खुशी फरहान में और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। अनु, तुमने अपनी मनमानी करके देख ली, अब अपनी माँ पे भी भरोसा करके देखो। अगर उसे तुम्हारे कदमों में लाके ना बिठाया तो कहना पापी, चाय तो पिए। अम्मी के सामने सारा इंप्रेशन खराब हो गया असद का। आप सिचुएशन क्लियर कर देंगी तो अम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल जाएगा। अभी मुझे ऑफिस पहुंचना है, शाम में आके बात करते हैं। मैं अभी से बात करती हूं। अभी रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी। जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। इमरजेंसी में अनु आपे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इकलौती बहन है उनकी, सोचे घर पर सब कितने परेशान होंगे। उसी परेशानी में वो बेचारे घर पर अपना फोन भूल गए। भी आपसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोले। तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ गई है, ये वैन वाला कुछ ज्यादा ही छुट्टियां करने लग पड़ा है। सोच रहा हूँ कोई दूसरा वैन वाला अरेंज कर लो। घर से लेके यहाँ तक जो तोते की तरह कहानी सुनाई है मैंने, उस पर कुछ नहीं कहा आपने। मुझे कॉलेज से देर हो रही है, उतरो। वापे, ये कोई तरीका ना हुआ। जब दिल किया दोस्त बन गए, जब मूड हुआ रोब दिखाने लगते। मुस्कुरा ले, मुस्कुराने पे कौन से टैक्स आते हैं? अब तुम उतरोगी गाड़ी से या मुझे कॉलेज से ऑफ कराओगी? ओके, अल्लाह हाफिज। अरे सुनो गुड़िया, असद की फैमिली को शाम में बुला लेना। थैंक यू अब्बी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। बस टाइम से कपड़े पहुंचा देना, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, जिस तरह मैंने कहा बस तुम उस तरह करो। ठीक है, जो भी होता है मुझे अपडेट करो, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना डरे हुए क्यों हो? मैं खा नहीं जाऊंगी। तुम्हारा गुस्सा ही ऐसा अनु, हर किसी को डर लगता है। अच्छा सुनो, कसम से अगर मजबूरी नहीं होती ना तो कभी जिद नहीं करता, तुम्हारे सर की कसम। ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं पे कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही थी इसीलिए बेवकूफी कर दी। अच्छा ये बताओ कि कब जाना है उसके घर? थोड़ी देर में निकल रही। थैंक यू। शाबाश, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। आपकी बेटी हूँ, समझदार तो होंगी। हाँ। आइए आइए बहन। जी जी, प्लीज बैठिए। बैठो बेटा।
आ गया। अब भी देख रहे हैं, जाओ पानी लेकर जाओ जल्दी से, जाओ ना चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी छोटी बेटी है। थैंक यू। आपकी अब तबीयत कैसी है बेटा? जी अब ठीक है भाई साहब, उस दिन ना आने की वजह से मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं समझ सकता हूँ बीमारी कोई बताकर थोड़ी आती है। जी बेटा, तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। आप माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। शादी के बाद क्या इरादा है बेटा, जॉब को कंटिन्यू करोगी? जैसा आप चाहें। असद ने मेरे बुटीक के बारे में तो बताया होगा। जी तो बस ठीक है, फिर जब दिल चाहे मेरा बुटीक ज्वाइन कर। बेटा चाहे तो ना। फिर कैसी लगी आपको अपने होने वाली बहू? लड़की अच्छी है, समझदार है, घरेलू है। माँ की डेथ के बाद उसी ने अपने घर को संभाला है। सब छोड़ेंगे, बताएं शादी कब है? तुम्हें तो असद से ज्यादा जल्दी हो रही है। अभी तो वो लोग आएंगे, घर देखेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। और हाँ असद, अब तुम सीरियस हो जाओ और भाई के साथ उनको ऑफिस ज्वाइन करो। अनु ठीक कह रही है। कर लूंगा, ऑफिस भी ज्वाइन कर लूंगा, अभी जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तो वो लोग घर आएंगे, देखेंगे, करीबी कोई दिन तारीख रख लेंगे। शादी होगी ना तो असद खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाएगा। जो आपको बेहतर लगे माँ, मेरी एक ऑफिस स्टडी रूम में भिजवा दीजिए। मुझे तो लगा आप शादी को डालकर इसी दौरान इस रिश्ते को खत्म करने का सोचेंगी। रिश्ते ख़त्म करना बड़ा आसान होता है और इन्हीं रिश्तों को निभाना बहुत कठिन है। देखते हैं वो लड़की कब तक निभाते हैं इस रिश्ते को। इफ़त भी बर्तन ले जाओ। हाँ भाई, कोई खैर खबर है असद की शादी के हवाले से? नहीं। क्यों भाई, तुम्हारा तो अपना न्यूज चैनल है चलता फिरता उस घर में बर वक्त खबर देने के लिए। आजकल उस चैनल से रابطہ मुनक़ता हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अन्नू का तो दिन ही नहीं गुजरता तुमसे बात किए बगैर। वो पहले की बात थी, तो दिन और रात दोनों ही गुजरते मुझे इग्नोर करते हुए। एक ही तो पत्ता था हमारे पास तुरुप का, तुम्हारी बेवकूफ़ ने वो भी गमा दिया। अरे कोसती रहेंगी या फिर इस मुसीबत से निकलने का कोई हल भी बताएंगी? अरे वाह, वैसे तो अपनी माँ बहन को किसी खाते में लाते नहीं हूँ, अब अपना उल्लू सीधा करना है तो कैसे तरीके से बात कर रहे हो। बहुत ही मतलब इंसान। अम्मा एक मेरा ही मतलब नहीं निकलता अन्नू से, आप लोगों का मुस्तकबिल भी मेरी और अन्नू की शादी पर टिका हुआ है, तो ज़रा सोच लें। ताने दे के वक्त ज़ाया करना है या वहाँ जाके पता करेंगे क्या हम?
जुनेद, वो लोग आते ही होंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना होगा मुझे। आप है ना यहाँ पे? इंशाल्लाह बात पक्की हो जाएगी, मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम्हें क्या हुआ है? चेहरे की मुस्कुराहट अंदर के तूफान को छुपा देती है। मुस्कुराओ और इस तूफान को किसी और वक्त के लिए बचा के रखो, समझ आई? जी, लगता है वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आजा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अल्लाह करे सब ठीक ही रहे। तुम बेफिक्र, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। हसन साहब, आपको बेगम साहब बुला रही हैं। अच्छा सुनो, विश मी लक, गुड लक, बाय। अरे उतर गया उसके सर पे से इसके प्यार का भूत, तभी तो खुशी खुशी बता रही थी। जरूर तुमने कुछ किया है, बताओ मुझे, असल बात बताओ मुझे। सॉरी, वो बच्ची मिलती नहीं, उसे ये मेरी नंद रुखसाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इग्नोर काम, समझो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, खैरियत से? जी बस, अल्लाह का बड़ा एहसान। लीजिए, आ गया आपका दामाद। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। प्लीज बैठे, बैठे। थैंक यू बेटा। क्या मसरूफियत रहती है बेटा आपके लिए? हेलो, कैसा लगा आपको मेरा बेटा? माशाल्लाह बहुत सुलझा हुआ आपका बेटा। एक दूसरे को तो बच्चे पहले से ही पसंद कर चुके हैं, और सच कहूं तो मुझे आपकी बेटी भी बहुत प्यारी लगी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बस जल्दी से उसे अपनी बहू बना के घर ले आऊं। बहन, ये आप ही की अमानत है। ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर अगले महीने की कोई तारीख बता दीजिए। हाँ, आज ऑफ किया है। कल आऊंगी ना तो मुझे सारे लेक्चर्स की नोट्स चाहिए। दोस्त तो मेरी इतना नहीं कर सकती। ट्राई दिया, तुमसे नहीं कह रही थी स्टूपिड। अच्छा, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। जी, आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। यकीनन आप भाभी की छोटी बहन है। जी बिल्कुल हैं। वैसे क्या पढ़ती हैं आप? मैं, एक्सक्यूज मी, शादी मेरी आप ही की हो रही है, मेरी नहीं। जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग। खुशी नहीं हुई आपको? मुझे तो तुम्हारी खुशी पे हैरत हो रही है। मेरे भाई की शादी है, खुश होना तो बनता है। और तुम्हारी शादी का क्या?
वो भी हो जाएगी, कोई ढंग का लड़का मिल जाए तो। पानी दो। ये पानी अनु तो प्यार करती है फरहान से। अरे उतर गया उसके सर पे से इसके प्यार का भूत, तभी तो खुशी खुशी बता रही थी। जरूर तुमने कुछ किया है, बताओ मुझे असल बात, बताओ मुझे। तुम पे जान छिड़कने वाली लड़की तुमसे जान छुड़ाने की बातें कर रही थी। मैंने उसे सुसाइड का बोला था। क्या कह रहे हो भाई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं करनी? मसला ज्यादा खराब नहीं होता अगर ममानी को मेरे प्लान के बारे में पता नहीं चलता। यों नाच जाए तुम्हारा लड़के। अरे वो भाभी की चहेती है, उसकी जान पे बात आएगी तो जाहिर है कि उसकी डोरें भाभी के हाथ में चली जाएंगी। अरे मुझे क्या पता था कि उनको मेरे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कहावत तो सुनी थी, लेकिन तुमने तो जान के अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा है, कमबख्त नहीं तो। पप्पू तो बहुत नाराज नहीं होंगे? नहीं, उसे पता है नाराज होकर उसका अपना ही नुकसान है। अभी परेशान है, फरहान भी बुखलाया हुआ है। मैंने अनु को समझा दिया है रुखसाना और फरहान को कुछ दिन के लिए इग्नोर करें जब तक उनके दिमाग ठिकाने पे नहीं आ जाते। देख ले माँ, कहीं बात बिगड़ ना जाए, अनु की खुशियों का सवाल है। तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगी। बस तुम शादी की तैयारियां करो, घर में पहली शादी है। अच्छा किया बेटा, बड़ी तल हो रही थी चाय की। बहुत खर्चे हो रहे हैं ना अभी। अभी ये मेरी कुछ चीजें हैं गोल्ड की। मेरी भी चैन है, ऐसी रखी हुई थी बहुत अरसे से। इनको बेच के फिर कुछ? बेटा मैं अभी इतना विवश नहीं हुआ कि बेटियों की खुशियां बेचने निकल पड़ूं। आपको ऐसे याद नहीं है तुम्हारी मैट्रिक की खुशी में तुम्हें लेके दी थी, और इस मॉक्स में बहुत सी चीजें ऐसी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इवेंट्स में मैंने तुम्हें लेकर दी थी। मैं कैसे बेच, किसी सूरत नहीं बेचूं बच्चों वाली बात।
मैम, मैम ये ड्रेसेस मिसेस हैदर ने पसंद किए हैं और वो कह रही थी कि मैं पेमेंट ट्रांसफ़र करवा दूँगी। ठीक है तो भिजवा दो। कैसा है ये? तो ब्राइडल ड्रेस है, रूही के लिए डिजाइन किए हैं। आगे की प्रोसेस तुम देख लेना, मुझे ये इसी वीक चाहिए। मुझे नहीं याद पड़ता इससे पहले तुम कभी इतना नाराज हुई हो फरहान भाई से। मुझे भी नहीं याद पड़ता कि इससे पहले उसने मुझे अपने प्यार में मरने के लिए कहा। फरहान भाई बहुत परेशान है। ये डिजाइन आगे फॉरवर्ड कर दो। मामी ने शादी का कार्ड भिजवाया ड्राइवर के हाथ। मतलब समझते हो इसका? हम शादी में जाएं या ना जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है फिर? करना क्या है, जाएंगे इसी बहाने अनु से बात करने का मौका मिल जाएगा। मायो है कल, ऑफिस से जल्दी ऑफ ले लूंगा। लगता है अकल ठिकाने आ गई है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जुनेद को मना भी किया था कि आज के दिन ऑफिस मत जाओ, फिर भी वो चला गया। अब देखो कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। चलें देखते हैं, आए अंदर तो आए। तुम लोग पहचाने ही नहीं जा रहे। मैंने भी आपको पहचाना नहीं। आप कौन? अनु कब तक नाराज रहोगे?
तुमने तो ऐसे नजरें बदली, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा तुम मेरी वही अनु हो जो पप्पो के आगे पीछे फिरती थी। नहीं पप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है शादियों का सीजन है और बुटीक में काम ज्यादा है, और वैसे भी जब घर में शादी हो तो मसरूफियत बढ़ी जाती है। तुम्हारे और फरहान के दरमियान पप्पो प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चलो ठीक है, नहीं कहती कुछ, लेकिन तुम्हारे साथ ज्यादती तो हुई है ना। वैसे तो भाभी तुमसे बहुत प्यार जता रही, अगर उन्हें तुमसे मोहब्बत होती तो आज इस स्टेज पे रोही की जगह तुम्हारी रस्में हो रही। पूरे खानदान में बातें हो रही मेरे बेटे के नाम हो, सब मुझसे पूछ रहे कि भाभी को क्या हुआ। बेटी को विदा करने के बजाय बहू ब्याह की मैं सारा ड्रेस गंदा कर दिया सड़की ने मेरा, जूस पिलाने के बजाय बल्कि नहला दिया मुझे। मैं घर जा रही हूं। अनु, अनु बेटा मेरी बात तो सुनो। अनु, अनु सॉरी अनु, जरा जज्बाती है। मेरी भी लाडली बेटी है बेटा, आज तक मैंने उसके सामने आवाज भी तीस नहीं की। बीना, बेटा बीना, बेटा दरवाजा खोलो। क्यों अपने अब्बी को परेशान कर रही हो? बीना, गुड़िया, गुड़िया दरवाजा खोलो। अभी पहले ही परेशान है, मुझे रोता देखकर और परेशान हो जाएंगी। मैं ठीक हूँ अभी,
गलती मेरी ही थी, मैंने अन्नु आपी के ड्रेस पे पूरा जूस गिरा दिया। गुस्सा तो आ नहीं था, इतना महंगा ड्रेस पहना होगा उन्होंने। I'm so sorry आपी, मेरी वजह से आपका इवेंट खराब हो गया। पागल हो, इवेंट तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, रो मत। बस बस चुप, अब रोना नहीं।